145 दिन अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाकी हैं। हफ्ते भर के भीतर राहुल की यात्रा दो विवादों से चर्चा में आई है। पहले बीजेपी ने राहुल गांधी की महंगी टी शर्ट पर सवाल उठाए, अब कांग्रेस ने संघ की खाकी हाफ पैंट्स में आग लगी तस्वीर के साथ ट्वीट कर दिया। विचारों की लड़ाई पोशाक पर आ गई, विवादों की ये तो बस अभी शुरुआत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा विवादों से ज्यादा हो रही है। पहले बीजेपी ने राहुल की टी शर्ट की कीमत बताकर सवाल उठाया, अब कांग्रेस की तरफ से आरएसएस के खाकी हाफ पैंट को जलाता हुआ ट्वीट राहुल की यात्रा को विवादों के साथ चर्चा में लाया। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी पर तोड़ने का आरोप बीजेपी कांग्रेस के इस ट्वीट के बाद लगाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यूनिफॉर्म, जिसे संघ की भाषा में गणवेश कहते हैं, उसी में 2016 तक शामिल रही खाकी हाफ पैंट को आग लगा हुआ दिखाया गया। साथ में लिखा गया, अभी 145 दिन बाकी हैं। ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा कि देश को नफरत के माहौल से मुक्त करने और आरएसएस भाजपा ने जो नुकसान किया उसकी भरपाई करने के लक्ष्य की दिशा में कदम आगे बढ़ रहे हैं। आगजनी का दृश्य है। दिस इज नथिंग बट इंस्टिगेटिंग पीपल फॉर वायलेंस। यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये भारत जोड़ो है, ये आग लगाओ यात्रा है। जब हम आक्रामक होते हैं तब वो पीछे हट जाते हैं। तो ये अगर वो आक्रामक होंगे, हम डबल आक्रामक होंगे, ये समझ लेना चाहिए उनको। बताते हैं कि 1925 में स्थापना से लेकर 1939 तक संघ के वेश में पूरी खाकी यूनिफॉर्म होती थी। 1940 में सफेद शर्ट शामिल हुई, 1973 में लॉन्ग बूट की जगह लेदर के जूते आए, 2016 में खाकी हाफ पैंट की जगह फुल पैंट को समय के हिसाब से बदलाव करके शामिल किया गया। कांग्रेस की तरफ से अब संघ के वेश में आग लगाने की तस्वीर को आरएसएस ने नफरत की राजनीति बताया है। एक तो हेट्रेड से आप जोड़ना चाहते हैं क्या? हेट्रेड वो पाल रखे हैं बहुत पहले से, और उनके बाप दादा ने भी संघ का बहुत तिरस्कार किया, अपनी सारी ताकत के साथ संघ को रोकने का प्रयत्न किया, दो दो बार भी बिना कारण प्रतिबंध लादे गए, संघ रोका नहीं है, लगातार बढ़ते रहा है। संघ क्यों बढ़ रहा है? तो संघ के पास सत्य सिद्धांत है। संभव है कि कांग्रेस की तरफ से बीजेपी नहीं, सीधे संघ परिवार पर ये हाफ पैंट वाला हमला बीजेपी की तरफ से राहुल की महंगी हजारों रुपए वाली टी शर्ट पर उठाए गए सवाल का जवाब हो। विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का भारत भाषण का एक वाक्य याद कराता हूँ, भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो? ये टी शर्ट का जवाब, ये बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल चाइल्डिश कमेंट था टी शर्ट के बारे में। उस टी शर्ट की असलियत आपको अगर अब मैं बता दूँ तो आप हंसेंगे, वो कहाँ खरीदा गया, कितना कितने में खरीदा गया, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। उसमें मैं नहीं टी शर्ट के बारे में, अंडरवेयर के बारे में, बनियन के बारे में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसके मकसद हैं। 2014 के चुनाव के दौरान आरोप है कि राहुल ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार बताया था, जिसके खिलाफ अदालत में एक केस चला, सुनवाई अब भी चलती है। कांग्रेस और राहुल गांधी 7 जन्म पैदा लेंगे तब भी आरएसएस को के बराबरी नहीं कर पाएंगे। आरएसएस वो है, उसका एक एक स्वयंसेवक जीता है भारत के लिए, भारत माता की वैभव के लिए, और सोता है उन्हीं के लिए, जगता है उन्हीं के लिए, भारत के संस्कार और संस्कृति का ध्वज वाहक है। इसलिए उसको तो 7 जन्म इनको लगेगा समझने में, और उनके जलाने से जितना वो जलेंगे संघ उतना ही बड़ा सांस्कृतिक फैलाव करेगा पूरी दुनिया में। आग लगाने और भारत को तोड़ने के लिए जितनी यात्राएं भी निकाली गई हैं और जिसने उन्हें नुकसान किया है, वो सब बीजेपी के आह्वान पर निकाली गई, और उसके पीछे हमेशा आरएसएस का हाथ रहा है। जहाँ तक
एक नेकर के जलाने के वाक़े की बात है, एक तस्वीर है जो दिखाई गई है, तो वो नेकर तो पहले ही उतर चुकी है, वो तो पेंट की शक्ल ले चुकी है, इतनी परेशानी क्यों है आज की तारीख में इनको। जहां लड़ाई सिर्फ विचारों की होनी चाहिए, वहां टी शर्ट और खाकी हाफ पैंट यानी पोशाक के बहाने सियासत हो रही है, जिनसे चर्चा में दोनों ही पक्ष के असली मुद्दे जनता के सामने नहीं आते हैं।